देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले को लेकर नीरव मोदी ने चुप्पी तोड़ी है। पहले तो नीरव ने पंजाब नेशनल बैंक से 12,000 करोड़ रुपए की चोरी की और अब सीना जोरी करते हुए कह रहा है कि बैंक ने मामले को सार्वजनिक कर पैसे वापसी के सारे विकल्प गवा दिए हैं। नीरव ने दावा किया है कि पीएनबी उसकी कंपनियों के ऊपर बाकी कर्ज को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। पीएनबी मैनेजमेंट को 15-16 फरवरी को लिखी गई एक चिट्ठी में मोदी ने कहा है कि उसकी कंपनियों पर बैंक का बकाया 5,000 करोड़ रुपए से कम है। बैंक ने जो गलत रकम बताई उसकी वजह से मीडिया में काफी हंगामा हो गया और इसका नतीजा ये हुआ कि जांच के नाम पर उनके सारे अकाउंट सीज कर दिए गए, जिससे उनके बिजनेस पर काफी बुरा असर पड़ा है। नीरव ने कहा कि अब हमारे लिए बैंक का कर्ज उतारना बहुत मुश्किल हो गया है। इस चिट्ठी को लेकर एक तरीके से नीरव मोदी ने साफ कर दिया है कि वो पीएनबी का कर्ज अब नहीं उतारने वाला है। करीब एक हफ्ते पहले नीरव मोदी की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी का पासपोर्ट 4 हफ्तों के लिए रद्द कर दिया गया था। वहीं उनके कई ठिकानों पर सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है। सीबीआई ने घोटाले के आरोपी पीएनबी के 3 अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया है और कई बड़े अधिकारियों से पूछताछ जारी है।